हेलो वोल्कन। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कहीं तुम मुझे देख कर तो नहीं जा रहे हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बहुत थक गया हूँ इसीलिए घर जा रहा हूँ। ओके ठीक है, बाद में मिलते हैं। सी यू। इसे क्या हो गया? अपसेट लग रहा था। वो डेनिस पर गुस्सा है, वो आज कैफे में मिले थे। वोल्कन डेनिस से मिला? मतलब वो अभी भी उसके पीछे है? हाँ, वो पैचअप करना चाहती है। उससे पैचअप करना तो बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा क्यों कह रही? आई नो तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम जितना सोचती हो उतनी बुरी नहीं है वो। क्या बात है बुराक, आज डेनिस की साइड ले रहे हो? नहीं चाला, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है। कैसी हो चाला? हेलो। हेलो, मैं ठीक हूँ। हम लंच करने आए हैं। ओके, जरा मेनू देना। चाला, मेरी कजिन मिगे से मिलो, यूके में रहती है, यहाँ छुट्टियों में आई है। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। हम चलते हैं। ठीक है। मैं म्यूगे को इस्तांबुल घुमाने जा रहा हूँ। You guys have fun. Thanks. खाना enjoy करना। See you. See you. बताओ क्या खाओगी? मैं कुछ लाइट खाऊंगी, मुझे सैलेड चलेगा। ओके, ड्रिंक में क्या लोगी? वो मैंने सोचा नहीं है। मैं लूंगी ग्रिल्ड फिश सैलेड और मिनरल वाटर। ओके। मैं फाइटा लूंगा और कोक। तो तुम इस्तांबुल कब शिफ्ट हो रही हो, कुछ सोचा तुमने? हम नेक्स्ट वीक मूव होने वाले हैं स्वीटी। पता है बहुत मजा आने वाला है, वरना स्कूल शुरू होने से पहले मैं तुमसे मिल ही नहीं पाऊंगी। हाँ, बहुत मजा आएगा। अरे यार, लोग बच्चों को बाहर क्यों लेकर आते हैं? गुस्सा क्यों हो रही हो? कितना प्यारा बच्चा, उसे भूख लगी होगी, जल्दी चुप हो जाएगा। बुराक, बात क्या है? आज तुम अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम्हें तो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। से मेरा सर दुख रहा है। ओ, बेचारा बच्चा, ये क्यों रो रहा होगा? क्या मतलब है? बच्चे रोतलू ही होते हैं। उफ़, कितना रो रहा है, मुझे यकीन है उसे जरूर कोई तकलीफ हो रही होगी। क्या हुआ बेबी, तुम क्यों रो रहे हो? आ? आओ यहाँ पर, आओ ना मेरे पास आओ। अले ले ले ले, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? अले क्यों रो रहे हो, तुम कितने क्यूट हो। बुराक, क्या हुआ, कहाँ खो गए हो? नहीं कुछ नहीं। एल्चिन, तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ, और तुम इस्तांबुल शिफ्ट हो रही हो, ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्या बताऊँ तुम्हें मैं। अब हम जब चाहें मिल सकते हैं, है ना? मेरे दिल की बात कह दी तुमने। आज मैंने वोल्कन को बता दिया। तुमने उसे एल्चिन के बारे में बताया? हाँ, और एल्चिन ने चाला को बता दिया। ये बताओ उसका रिएक्शन क्या था, वो लोग खुश तो है ना सुनकर? हाँ, वोल्कन तो बहुत खुश था, और चाला भी अपनी मॉम के साथ है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। और एडा, मैंने अभी तक उसे बताया नहीं है। बस यही उम्मीद करो कि वो भी वोल्कन की तरह तुम्हें सपोर्ट करे। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते को लेकर नाराज होगी?
अरे तुम तो जानती हो ना कि सिनानी अपने बच्चों की मॉम है और सिनानी उनका डैड है। हाँ ये मैं जानती हूँ, आई नो, लेकिन अब ऐदा कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, बड़ी हो गई है। हाँ तुमने सही कहा, तुम लोग रास्ता निकाल ही लोगे, मुझे यकीन है। तुमने ऐसा क्यों किया? ये जरूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी, उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने उसे खो दिया। ऐदा। ओह एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो बेटा। आप कैसे हो डैड? क्या बात है बेटा, तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस थोड़ी अपसेट हूँ। आप घर कब आने वाले हो? आखिर बात क्या है बेटा, तुम फोन पर मुझे बता सकती हो? मैं फोन पर बात नहीं करना चाहती। आप जल्दी से घर आ जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है मैं अभी आया। प्लीज आ जाइए। ओके बेटा, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है सिनन, क्या ऐदा को कोई प्रॉब्लम है? वो थोड़ी अपसेट है, लेकिन फोन पर कुछ बता नहीं रही, मुझे घर बुला रही है। ओके तो फिर हमें चलना चाहिए, है ना? एतराज ना हो तो मैं निकलूं। आई एम सो सॉरी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ तुम घर जाओ, लेकिन हम कुछ देर और रुकेंगे, क्यों है ना सल्डा? तुमने सही कहा निहार। एल्चिन तुम चाहो तो रुक जाओ। ओ नहीं हनी, चाला का मैसेज आया है, मैं होटल जा रही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। सो सॉरी। घर पहुँच कर कॉल करना। ओके okay? तुम दोनों एंजॉय करो। गुड नाइट, सी यू, फिर मिलते हैं। हम आज फ्लैट देखने जाने वाले थे, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं, वैसे भी देर हो गई, हम कल देख सकते हैं। वो कपल नहीं होते तो सोशल मीडिया पर अपने फोटो क्यों अपलोड करते? वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी, मुझे पता है। तो मेरा उसके बाल काटने का मन कर रहा था। सोचो मुझे कैसा लगा होगा, मेरा पहला प्यार मुझसे छीन लिया। वो बिल्कुल खूबसूरत भी नहीं है, उसके लायक नहीं है। शायद वोल्कान आ गया, बाद में कॉल करती हूँ। ऐदा यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, जानसू से बात कर रही थी। तुम दोनों सुबह से लेकर पूरा दिन साथ में थे ना, तुम ऐसी क्या बातें करते हो यार? और ये क्या नया ड्रामा है, तुम बरीस को बिना बताए यहाँ चली आई? गलत बात है ना? जानसू की मॉम का कॉल आया, इसलिए हमें तुरंत निकलना पड़ा। और बरीस उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था, उसने हमें नोटिस भी नहीं किया। बरीस की गर्लफ्रेंड? उसकी कोई गर्लफ्रेंड है भी? तुम्हें नहीं पता क्या? मुझे तो उसने इस बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने इंटरनेट पर उसका फोटो देखा। अच्छा ये तो उसकी कजन है, यूके से हॉलीडे के लिए आई है, हम आज ही इससे मिले थे। उसकी कजन है, बहुत अच्छी लड़की है। कितने दिनों बाद हम लोग बाहर खाना खाने आए हैं। तुमने सही कहा नियार, तुम अगर बोर हो रहे हो तो बिल पे करते हैं और घर चलते हैं। ऐसा क्यों कह रही हो सेल्डा, मेरी प्यारी बीवी की कंपनी में मैं बोर कैसे हो सकता हूँ? ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं बहुत खुश हूँ, तुम एंजॉय करो। माय लव। ओ सेल्डा। ओ हाय हनी। हाय। हेलो निहार। हेलो होलिया। क्या इत्तेफाक है, हम आज दूसरी बार मिल रहे हैं। सुबह तुमने मुझे नोटिस नहीं किया था। वाकई? आज तुम दोनों कहाँ मिले थे? कलस्टा में। सॉरी मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा। कोई बात नहीं निहार, तुम थोड़े टेंस लग रहे थे इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी। होलिया चलो इन्हें एंजॉय करने दो। ओके सी यू सेल्डा। सी यू हनी। सी यू। तुम और एक ड्रिंक लेना चाहोगे? हाँ वो उसकी कजन है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब देर किए बिना मुझे तुरंत उससे बात करनी चाहिए, मेरे बर्थडे के बारे में पूछूं क्या ख्याल है? ऐदा मेरे डैड आ गए हैं, मैं रखती हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। हाँ आ जाइए डैड। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तुमने कॉल करके घर बुलाया था ना? हाँ हाँ अब मुझे याद आ गया है, कुछ नहीं बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है, सच कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड नाइट डैड।
गुड नाइट। मॉम, मैं आपसे ही मिलने आ रही थी, काम खत्म हो गया? सब हो गया, मैं बस टेरेस से गंदे ग्लास लेने जा रही हूँ। रुको, मैं लाती हूँ। ठीक है, और उन्हें बेसिन में रख देना, समझी? तो ठीक है। हाँ।
sen gelirim, hadi git de ben giderim. Sevmesen de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Ben onunla ilgili hiç düşünemeyeceğim. Beni unutacak. कैसे हो बुराक? तुम हो? मेरा नंबर सेव नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, ये क्या हो रहा है यार? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? एक्सीडेंट के वक्त मेरा बैग उस कार में छूट गया था, जरूर तभी तुमने लिया होगा। कितने बेशरम आदमी हो तुम, बिना पूछे तुम मेरा फोन नंबर चुराते हो। हाँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। सोचो आगे भी मिलते रहेंगे, शायद तुम्हें जरूरत पड़े। क्या कुछ गलत कहा? मैं भला तुमसे क्यों मिलूंगी? हाँ, मैं तुम्हारे कैफे में काम करती हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, समझे? हाँ, मैंने सुना, नए जॉब के लिए कांग्रेट्स। थैंक यू, वोल्कान ने मेरी मदद की, उसी की वजह से मुझे ये जॉब मिली है। जानता हूँ, क्लब से निकलते वक्त तुम रो रही थी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। बस कॉल करके गलती कर दी, तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो, कैसी लड़की हो तुम? तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो, समझे? अपने काम से काम रखा करो और मुझसे तो दूर ही रहा करो। ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस दिन तुम ऑफिस छोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों चले गए थे आखिर, बताओ तो मुझे। मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रहा था, पर तुम हो कि समझना ही नहीं चाहती। मैंने कहा था ना कि प्रोग्राम बदल गया था, याद है ना बशर, जिसने उस दिन कॉल किया था? जब उसका कॉल आया तब मैं साइट पर ही जा रहा था, और इसी वजह से मैं उससे मिल लिया। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? मैंने एक बार प्रोग्राम क्या चेंज कर लिया, तुम तो इल्जाम लगाने लगी। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ निहात, मुझे बस जवाब चाहिए। मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आज मैं हुलिया से नहीं मिली होती तो मुझे उस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। तो क्या मुझे तुम्हें हर छोटी छोटी चीज भी बताने की जरूरत पड़ेगी? देखो ये कुछ ज्यादा ही हो गया सेल्डा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सब बताओ, पर हुलिया ने आकर सबके सामने बोला और मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। क्या कहूँ निहात, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरी जान, तुम मेरी लाइफ हो, माय स्वीट हार्ट, मेरी प्यारी गिलहरी। गिलहरी? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? हाँ, हाँ, तुम्हें दुख पहुंचाने का मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं सोचोगे ना? बिल्कुल नहीं मेरी जान। अरे क्या कर, अरे कोई देख लेगा तो? बिल्कुल नहीं, हम अपने घर के अंदर हैं। कोई आ भी तो सकता है। चलो आज थोड़ा पियानो सुना दो, मूड अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर तुम्हें सुनना है तो क्यों नहीं माय लव। ठीक है, पर कब से बजाया नहीं है, पता नहीं याद भी है कि नहीं। अच्छे से बजा तो लोगी ना? देखते हैं।
क्या बात है, बहुत खूब। शानदार मेरी सुंदर बीवी। वो अब भी बाहर है क्या? रुको रुको, देखता हूँ मैं। वो अभी भी बाहर है। मैं यहाँ खड़ी खड़ी थक गई हूँ। चलो हम बाहर चलते हैं, आ जाओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं भी छिपकर बोर हो गया हूँ, आखिर ये मेरा घर है, मैं क्यों छुपूं? देखो बुराक, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी, प्लीज मत जाओ। वेरी फनी, तुम पागल हो क्या? तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाना अच्छा लगता है क्या? सच बताओ। देखा फिर से कितना बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा मुंह बंद करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। तुम मुझे देखकर शॉक्ड हो गई थी ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गेस करो। ओह, तुम उनके बेटे हो? ओ गॉड, कहाँ का बदला ले रहे हो मुझसे? मैं भी वही सोच रहा था। असलो, चलो चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं, चलो चलो यहाँ से। मैं आ ही रही थी। एक ही घर में है। ओह माय गॉड, मैंने देखा कैसे नहीं? उनके पास डॉग भी है। उनके बेटे कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ रहते हो? हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? मैं मॉम को कुछ बता भी नहीं सकती। ओफो, मुझे कहीं शांति नहीं मिल सकती। वो भी मुझे देखकर शॉक्ड हो गया होगा। एक मिनट, कितना कनिंग है, उसे पता था कि मैं यही रहती हूँ। ब्रेड कहाँ गई? अब चिकन भी नहीं है। हाँ, टेबल पर छोड़ दो। ठीक है। बेड में वही था, वो दिन भर मेरा मजाक उड़ाता रहा। ओ ओ, ये क्या हो रहा है? मैंने तो इसे टेबल पर रखा था। शायद वही उसने मेरा नंबर सेव किया होगा। यकीन नहीं होता, वो पूरा दिन मेरे करीब था। उफ़, अब मैं क्या करूं? उसके उठने से पहले ही मुझे निकल जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मुझे काम पर जाना है मॉम। जरा रुको, मैं नाश्ता बना देती हूँ। नहीं, मैं रास्ते में कुछ खा लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ओके, इतनी जल्दी क्या है? अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। थैंक यू मॉम। तो कार को देखा भी नहीं। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग बेटा, क्या हुआ, तुम सो नहीं पाए क्या? नहीं, वो मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। अगर काम नहीं होता तो मैं भी आ जाता। कोई बात नहीं, अगली बार आ जाना। चलिए मैं निकलता हूँ। वोल्कान,
ऐदा के बर्थडे के लिए कुछ सोचा है? डैड सच बताऊं तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसे तो बरीज के कैफे में सेलिब्रेट करना है। हमें घर पर उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखनी चाहिए। मेरी प्रिंसेस को सरप्राइजेस बहुत पसंद है। जानसू से बात कर लो, उसे पता होगा कि किसे इनवाइट करना चाहिए और किसे नहीं, और ऐदा को क्या गिफ्ट चाहिए। बहुत ही अच्छा आइडिया है डैड, मैं आज ही सब ऑर्गेनाइज कर लूंगा। ओके बेटा, ग्रेट। मॉम एक बात बताओ, आपने सेल्डा आंटी से और क्या बातें की? क्या आपने हमारी एंगेजमेंट की बात की? नहीं, हम सिनान के बारे में बात कर रहे थे। मुझे उस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला, और जैसे कि बताया, जब ऐडा का फोन आया तब हमें निकलना पड़ा। पर फिक्र मत करो, मैं सेल्डा से बात करूंगी, और अगर डेट फिक्स हो जाएगी तो अच्छा होगा। ओके। आजकल मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहती हूँ मॉम। बुराक बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, शायद मेरी गलतफहमी है। क्या हो गया, उसने कुछ किया क्या? इस बार तो कुछ नहीं किया, अभी वो शांत है, कुछ ज्यादा ही शांत है। ये तो अच्छी बात है, उससे अपनी गलती का एहसास होगा और इसलिए वो बदल रहा होगा। आई होप सो मॉम। थोड़ी सी तो फिक्र करो। अभी भी सो रही है शायद। सिनन कॉल कर रहे, आंसर तो करो। अभी हम बात कर रहे थे ना, उससे बाद में बात कर लूंगी। तो तुम्हें खोना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पता नहीं मैंने ऐसा बर्ताव क्यों किया, शायद मैं डर गई थी। पर तुमसे दूर रहकर मैंने रियलाइज किया कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो वोल्कन। गुड मॉर्निंग। आसलन, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। अरे एक दिन भी नॉर्मल गुजरे तो मैं ठीक रहूंगी ना, अब क्या हो गया? गौंजा, तुम सोच भी नहीं सकती क्या हुआ। सच में? प्लीज बताओ तो सही। बुराक और मैं एक ही घर में रहते हैं। क्या? मुझे अब जाके पता चला कि मेरी मॉम बुराक के घर में ही कुक का काम करती है। ऐसा कैसे हो सकता है, बुराक के घर में काम? I am really shocked. मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। देखो, मुझे लगा था कि ये इत्तेफाक है, पर ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। असले मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ऐसा सब कुछ तो मूवीज में होता है। असले देखो, एक बात कहती हूँ, मुझे लगा था वोल्कन तुम्हारा ड्रीम मैन है, पर हो सकता है कि बुराक तुम्हारा ड्रीम मैन हो। ओ प्लीज गौंजा, ये सब बकवास बंद करो। बुराक या वोल्कन, मुझे दोनों में से किसी के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, अब तुम गुस्सा मत हो, मैं तो बस तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी। मैं बताती ना क्या बात है, ये सब मेरी बदकिस्मती है। अब चलो, नहीं तो काम पर लेट हो जाएंगे। ये कोई बदकिस्मती नहीं है, मुझे लगता है कि तुम यूनिवर्स को नेगेटिव मैसेजेस भेज रही हो। पॉजिटिव सोचो तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर आपने घर का क्या किया मॉम? घर देखे कि नहीं? आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। नहीं, आज देखने जाऊंगी उसे। पर आपने तो कहा था कि कल आप डिनर के बाद जाएंगे। हम जाने वाले थे, फिर सेल्डा और निहात आ गए, फिर ऐडा का कॉल आ गया, उसे कुछ प्रॉब्लम थी और सिनान उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए चले गए। तो कोई बात नहीं हुई है। ओह, पता नहीं वो इतनी अपसेट क्यों है। पता नहीं, पर उसे कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। वो बिल्कुल बच्ची है, उसे बढ़ा चढ़ा कर बात करना पसंद है। कल उसका बर्थडे है और पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर उसी के बारे में पोस्ट कर रही है। सबको पता है कि उसका बर्थडे आने वाला है। बस मुझे छोड़कर, क्या तुम उसकी पार्टी में जाओगी? हाँ। उसके लिए गिफ्ट लिया कि नहीं? अभी कुछ सोचा नहीं है। चलो साथ में चलते हैं और उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेते हैं। क्या बात है मॉम, आप उसमें बहुत इंटरेस्टेड दिख रही हैं।
मुझे जलन हो रही है। बेटा जब मैं कह रही थी कि हम अच्छा सा प्रेजेंट साथ में चुनेंगे, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। सबके सामने शर्मिंदा नहीं हो सकते हम। तो ठीक है मॉम, मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और तुम ऐदा को बच्ची कह रही थी। मुझे पता था तुम यही मिलोगे। कैसे? तुम हमेशा यही जॉगिंग करते थे, मुझे लगा लग ट्राई कर लूं और तुम मुझे यहां मिल गए। देखा मैंने। वोल्कान, मैंने जो कहा उस बारे में सोचा तुमने? डेनिस, मैं फिर से तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ने जैसा कुछ नहीं किया है। वो बस मैं सीरियस होने से डरती हूँ वोल्कान। मुझे लगा मैं अपनी एम्बिशंस पूरी नहीं कर पाऊंगी। तुम जानते हो कि करियर कितना जरूरी है। जानता हूँ, मुझसे भी ज्यादा। तुम गलत कह रहे हो, मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, तुम्हें पता है, इसलिए वो काम इतना जरूरी था। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, पर तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तुम नहीं तो बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं है। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ वोल्कान। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा बेटा काफी जल्दी उठ गया, लगता है उसे बता दिया कि वो काम करने जा रहा है। वो काम करने जा रहा है? तुम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो बेटा, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं तो तैयार हूँ। जाना कहाँ है डैड? काम पर। आज से तुम क्लब में काम करोगे, पता नहीं है क्या? क्या? तुमने तो फोन पे मॉम से बात करते हुए ये कहा था कि तुम क्लब को मैनेज करने में मेरी मदद करोगे। नहीं। हाँ, कहा था, तुम्हें याद नहीं है क्या? मुझे याद है। शायद भूल गए हो। कैसा क्लब डैड? मैं वहाँ काम कैसे कर सकता हूँ? मेरी एक गलती की वजह से तुम हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे भूल नहीं सकते वोल्कान। मैंने हमेशा तुमसे सच ही कहा है, लॉयल रही हूँ। जब हम अलग हो गए थे, मतलब जब तुम अलग हो गई थी, तब मैंने तुम्हें बोधरम में कुराई के साथ देखा था। फिर वो सब क्या था? कुराई एक दोस्त है और वो भी उसी सीरीज में काम कर रहा था। मैं बोधरम तुमसे मिलने तुमसे बात करने आई थी, वहाँ कुराई का मिलना इत्तेफाक था। हमने बात की और बस ड्रिंक ली, यकीन करो मैं सच कह रही हूँ। तो तुम्हें फिर काम कहाँ करना है ये बताओ। क्या हम तुम्हारे लिए कोई स्पेशल जॉब क्रिएट करें? तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है बताओ मुझे। निहात, तुम बीच में मत बोलो सेल्डा। कभी तुम एक अडल्ट बन जाते हो और शादी के लिए तैयार हो जाते हो, और कभी बच्चे। ये कौन सा तरीका है? अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब 3 नौकरियां करता था, इसलिए चुन लो। क्या तुम मेरे साथ कंपनी में काम करना चाहते हो? इसके अलावा एक और चॉइस है तुम्हारे पास। क्या तुम हमारे नए होटल की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना चाहते हो, या फिर वो क्लब? तुम्हारी चॉइस है। क्या डैड? निहार, बच्चे को आराम से नाश्ता तो कर लेने दो ना प्लीज। नाश्ता? बिल्कुल खाने दो और सोचने भी दो। मेरी भूख क्यों मर गई? प्लीज मुझे एक और मौका दो। तुम देखना, तुम वो वक्त भूल जाओगे जब हम दूर थे। हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। I love you so much. तो बेटा तुमने कुछ फैसला किया? क्या सच में डैड, आपने तो जिद ही पकड़ लिया। अगर तुम पर छोड़ दिया जाए तो तुम कुछ भी नहीं करोगे, इसलिए मैंने जिद पकड़ ली, और ये तुम्हारी भलाई के लिए है। पर इतने प्रेशर से मुझे टेंशन फील होता है डैड। तो फिर क्या करोगे? घर छोड़कर चले जाओगे? याद रखना, अपने क्रेडिट कार्ड के बिना तुम एक दिन नहीं रह सकते हो।
मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? हे भगवान निहार, ये सब मत कहो। देखो, ये जिंदगी की असलियत है। और वैसे भी मैं बुढ़ापे तक तो काम नहीं करना चाहता ना, तो किसी न किसी को तो मेरा भार उठाना ही होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम ठीक कह रहे हो जान, मुझे यकीन है कि ये समझ जाएगा, उसे भी लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो, है ना बेटा? ठीक है, मैं काम करूंगा, पर मैं क्लब से शुरू करूंगा, चलेगा आपको? ओह, क्लब से, बहुत बढ़िया, पर वहाँ बॉर्डरूम के जैसा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ओके। हेलो, बोलो डियर। गुड मॉर्निंग डियर, तुम्हें उठा दिया क्या? नहीं, चाला और मैं ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे। मैंने तुम्हें पहले कॉल किया था, पर तब तुम बिजी थी। सच में, मैंने नोटिस ही नहीं किया। तो हम क्या कर रहे हैं और हम घर देखने कब चलेंगे? मैं एक घंटे में फ्री हो जाऊंगी, मुझे चाला के साथ थोड़ा सा काम है। और बताओ अदा कैसी है, उम्मीद है कुछ सीरियस ना हो। नहीं, मिलने पर बात करते, ओके? ठीक है, काम हो जाए तब कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके डियर, सी यू। ओके, लव यू। ओके बाय। क्या हो गया था? वो कह रहा है बाद में बताएगा, कुछ सीरियस नहीं है। मैंने कहा था ना, बिगड़ी हुई है वो। चलो चलते हैं और उस बिगड़ी हुई बेटी के लिए बढ़िया सा प्रेजेंट लेते हैं। ओफो, कितना काम है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है जानसू। शांत हो जाओ। देखो मैं बताती हूँ अब क्या क्या काम हो चुका है, ठीक है? शूज हो चुके हैं, ड्रेस ले लिया है। हाँ, वो ले लिया। सच में सब तुम्हारी ड्रेस देखकर पागल हो जाएंगे। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ। पार्टी तो बरिस के क्लब में होने वाली है ना? वो हो गया है, मेरी जान ने सब ऑर्गेनाइज कर लिया होगा। आज वो बुक करने वाला है, मैंने केक भी चूज कर लिया है। कितना हेल्पफुल है वो। डीजे तैयार है ना? हाँ, उसने कहा वो भी मैनेज कर लेगा। उसे बहुत फिक्र है। हमने लिस्ट के सारे लोगों को तो कॉल कर लिया है ना? हाँ, वो भी कर लिया है। मुझे कहे गए लोगों को भी मैंने कॉल कर लिया है। अरे असल, वो बहुत जरूरी है, उसे भी कॉल करना है। तुम असल को भी इनवाइट कर रही हो? हाँ, इतनी सरप्राइज्ड क्यों हो? नहीं, मुझे लगा तुम्हारे भाई के साथ जो भी हुआ उसके बाद तुम उसे कॉन्टेक्ट नहीं करोगी। मैं ये मौका नहीं गवा सकती हूँ, शायद एक डांस के बाद उनमें फिर से दोस्ती हो जाए। मेरा बर्थडे है, मुझे किसी को भी इनवाइट करने से भैया रोकेंगे नहीं, वो जानते हैं मैं असल को पसंद करती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, लिस्ट में और क्या क्या ऐड करना है मैं बताती हूँ तुमको, ठीक है? हेयर ड्रेसर का अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो गया है। मुझे सुंदर दिखना है। अच्छा बताओ, बालों को स्टाइल कैसे करूँ? वो तो ड्रेस पहनने के बाद ही डिसाइड होगा ना। अच्छा सुनो, नकली आईलैशेस लगाना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, सुंदर आंखें बहुत जरूरी है, क्योंकि कल रात मैं बरिस की तरफ देखकर कहूंगी आई लव यू बरिस, आई लव यू सो मच। सच कह रही हो? तुम अपने बर्थडे वाले दिन बरिस को अपने दिल की बात सच में बताने वाली हो क्या? जानसू प्लीज, मुझे डिस्करेज मत करो। ओके ठीक है। मुझे आपको कुछ बताना था, आज से मेरा बेटा बुराक आपके साथ काम करेगा। ओके सर, मैं समझ गया। पर सिर्फ इसलिए कि वो मेरा बेटा है, आप उसे अलग से ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है? और क्लब मैनेज करने के लिए जो जरूरी है आप उसे वो हर बात सिखाएंगे, पूरी डिटेल में। आप समझ रहे हैं ना कि कैसे मैनेज करना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ। उसे काम चोरी मत करने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप उसके साथ स्ट्रिक्ट रह सकते हैं। डैड, आई एम श्योर आप मजाक कर रहे हैं ना? ओके ओके सर, आप फिक्र ना करें। आप उसे अच्छे से ट्रेन कीजिए। गुड लक। थैंक यू वेरी मच सर, गुड बाय। डैड, क्या ही? आपने मुझे ऐसे आदमी के सामने शर्मिंदा किया जो हमारे लिए काम करता है। बेटा, तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो वो सालों से वो काम कर रहे हैं, और वो सालों से क्लब को बहुत कामयाबी से मैनेज करते आए हैं, और सिर्फ उनकी वजह से हमारा क्लब टर्की के सबसे एलीट क्लब्स में से एक है। अपनी ईगो को बीच में लाने के बजाय तुम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो, तो शायद जिंदगी में कुछ कर पाओ। ओके, चलो चलो मेरे साथ आ जाओ, चलो। पर प्लीज ये कपड़े चेंज कर लो, कुछ क्लब के लायक पहन लेना, जल्दी आओ। ये अपना फैसला बदल लेंगे, फिक्र मत करो। We are okay, right? हम फिर से साथ है ना? हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि हम पहले जैसे हो जाएंगे। तुमने मुझे एक और मौका दिया, तो मैं भी इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। एक फोटो ले लूं?
ठीक है तो मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके डार्लिंग, अगर टाइम मिले तो क्या हम आज लंच पर मिल सकते हैं? देखते हैं, मैं कॉल करूंगा। मैं थोड़ा और वॉक कर लेती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओके सी यू। सी यू। ये तो काफी आसान था। चलो अब दोस्तों और दुश्मनों को यह खबर सुना दो। Yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.